रंजन्स किचन में सभी का स्वागत है। तो आइए आज बनाते हैं कुछ मीठा जो बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी भी बनने वाला है और बहुत ही हेल्दी भी बनने वाला है। तो ये मेरे पास लौकी है, ये मेरे पास गोल लौकी है, आप लंबी लौकी भी ले सकते हैं उसके लिए। और ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, छील के धुल लिए और इसको मैंने काट दिया है। आप देखिए इसमें से बहुत सारे बीज निकल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो बीज वाली लौकी ना हो, और अगर ये बीज वाली लौकी है भी तो आप इसमें से बीज को अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर बीज मिठाई में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं और बिल्कुल जो साफ़ वाला गूदा है केवल वही लिया है मैंने इसमें। और मुझे थोड़ी सी ही मिठाई बनानी थी इसलिए मैंने छोटी सी लौकी ली एक, आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे से बीज निकाल दिए हैं और अच्छे से इसको मैंने कस लिया है कद्दूकस से। आप मीडियम साइड वाली जो होती है उससे कस लीजिए। और अब चलिए इसको पकाते हैं। कढ़ाई में लिया मैंने थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच घी, घी इसलिए लिया है ताकि ये नीचे जले नहीं, लगे नहीं। और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको ढककर भी पकाएंगे ताकि ये अच्छे से लौकी सॉफ्ट हो जाए और पक जाए, जिससे कि हमारी मिठाई अच्छी बने। ये 5 मिनट के लिए मैंने ढक दी थी, देखिए इसमें से बहुत सारा पानी निकल गया है और ये धीरे धीरे गलने भी लगी है। तो बस इसी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, और लग जाएगी तो फिर वो जले हुए की स्मेल आती है तो वो अच्छा सा नहीं होता। तो लौकी मेरी गल चुकी है बिल्कुल अच्छे से, और इसमें मैंने डाला है लगभग आधा कटोरी चीनी। ये बिल्कुल छोटी वाली कटोरी है, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल बैलेंस बनेगी, ना तो ज़्यादा मीठा होगा ना ही ज़्यादा फीका होगा। तो आधा कटोरी चीनी ली थी मैंने, उसमें से भी मैंने थोड़ी सी बचा दी है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लग रही थी लौकी के हिसाब से। लौकी में चीनी डालकर हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, पानी छोड़ेगी चीनी अपना, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इसको हम धीरे धीरे से चलाते रहेंगे और बहुत बिल्कुल अच्छे से सुखा देंगे इसको, जो चीनी की चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से सुखा देंगे। बीच में ही हमने थोड़ा सा फ्रैंक ये तड़का वाला पैन होता है, इसमें हमने लिया है थोड़ा सा घी लगभग आधा चम्मच, और ये हैं मेरे पास मिक्स सीड्स हैं, ये मेलन सीड्स और ये सब चीज़ें, ये जिसको हम हिंदी में चारों मगज भी बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं, या आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आप डालना चाहें। इसको मैंने थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से रोस्ट कर दिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा घी इसमें चाहिए होगा हमें, और इसको अच्छे से मैंने रोस्ट कर दिया है। और ये देखिए लौकी भी बिल्कुल हमारी लगभग तैयार होने वाली है, इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो ये अच्छे से चाशनी हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी, तभी हम इसमें अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई थी, और इसमें मैंने ये जो फ्राई किए हैं थोड़े से चारों मगज वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए रखा है। इसमें मैंने डाला आधा चम्मच इलायची पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और इसमें मैंने डाला है लगभग 100 ग्राम मावा खोया जिसको बोलते हैं, वो मेरी गलती की वजह से वीडियो उसमें कट हो गई थी। और इसको अच्छे से मिक्स करके मावे को इसमें लौकी में अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए पका देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, और फिर इसको हम किसी थाली में या प्लेट में किसी भी बर्तन में अच्छे से ग्रीस करेंगे घी को, और फिर अपनी ये हमारी मिठाई जो इसमें सेट कर देंगे। आप इसको लौकी की लौज या लौकी की बर्फ़ी कुछ भी बोल सकते हैं जो आप चाहें, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जल्दी से बन भी जाती है बहुत। इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि हमें इसमें चाशनी वगैरह अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे अच्छे से सपोर्ट मिले। और इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम लगभग आधा घंटा के लिए रख देंगे, नॉर्मल पंखे के नीचे रख देंगे हम इसको। ये बाद में जो मैंने बचाए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये मैंने इसमें ऊपर से लगा दिए हैं ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे खाने के साथ साथ। और इसको लगभग आधे से 1 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ठंडी भी हो जाए, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अगर इस टाइम आप इसको छुएंगे, कट करेंगे या खाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको
आधा एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसके हम पीसेस आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं, छोटे बड़े, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर, कैसे भी। तो ये मैंने पीसेस इसके कट कर दिए हैं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से, खाने में बहुत सॉफ्ट और टेस्टी, यम। और इसको अच्छे से हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।